22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले केंद्र और राज्य सरकार ने कहा है कि हर जेल में दीपावली जैसा माहौल बनाकर जेल को सुधार गृह की तरह पेश किया जाए। मिले आदेश के बाद गाजियाबाद जेल प्रशासन ने जेल में बंद बंदियों के द्वारा भगवान राम के राज तिलक और उनके आदर्शों को प्रस्तुत किया है। जेल में इस आयोजन का आज से रिहर्सल शुरू हो गया है। जेल में बंद बंदियों ने आज इस कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना और गणेश वंदना से शुरू की। जेल के अंदर सजावट देख ऐसा लग रहा था मानो दीपावली पर किसी आलीशान कोठी को रोशनी से जगमगा दिया हो। रोशनी के बीच एक मंच को राम दरबार के रूप में सजाया गया था। भगवान राम लंका में रावण का वध करने के बाद माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी सहित जब अपनी जन्मभूमि श्री अयोध्या जी वापस आते हैं, और तो वो अयोध्या आते ही भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि को नमन करते हैं, जिसके बाद गुरु और माताओं को प्रणाम कर अपने भाई भरत को गले लगाते हैं। भरत श्री राम को उनकी खड़ाऊ पहनाते हैं, जिसके बाद विधि विधान के साथ उनका राज तिलक होता है। इस भव्य आयोजन पर जेल अधीक्षक ने बताया, प्रभु के आदर्शों को जीवन में उतार कर जेल को सजा घर की जगह सुधार घर में बदला जाएगा, जिससे यहां से बाहर निकलने वाला हर अपराधी समाज में सामाजिक व्यक्ति की तरह जीवन बिता सके। देखिए, जैसे कि 22 तारीख को बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। एक तो जैसे भगवान राम जब साक्षात रूप से लौटे थे अयोध्या, वो अवसर, और एक ये अवसर, ये भी इसमें भी भगवान राम को अपनी जन्मभूमि में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। और पूरा देश, क्या पूरा विश्व इसको बहुत हर्षोल्लास से मना रहा है। उसी संदर्भ में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कारागार मंत्री जी, उनके भी निर्देश थे कि इसको बंदियों के बीच में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाए और 22 तारीख को दीपावली भी मनाई जाए। तो इसी क्रम में हम लोगों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी। आज इसका आगाज था, आज से हमने प्रैक्टिस वगैरह शुरू की है और ये प्रैक्टिस इसी तरह चलती रहेगी 22 तारीख तक, और इसको बहुत अच्छे से मनाए जाने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। और इसको आपके सामने अभी बंदी प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे थे, तो इसका जैसा कि आप जानते हैं, कारागारें जो हैं, कारागारें अभिन्न अंग रही हैं समाज का। और पूर्व में इसको जो इस्तेमाल किया जाता था, ये दंडित करने के लिए और समाज से काटने के लिए, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो चुका है कारागारों का, और अब कारागारें जो हैं वो सुधार गृह के रूप में प्रख्यात हो गई हैं। क्योंकि भगवान राम का चरित्र ऐसा है कि उनके चरित्र के स्मरण से, उससे जो मर्यादा, उनका आचरण एक व्यक्ति का कैसा होना चाहिए, वो स्पष्ट होता है, और कारागारों में इसकी बहुत ही आवश्यकता है। तो इसीलिए कि बंदियों का जीवन में इसका प्रभाव पड़े, भगवान राम के चरित्र से वो कुछ सीखें। प्रोग्राम किया गया, बड़ा सुंदर प्रोग्राम दिखाई दे रहा है जी। इसमें हिंदू मुस्लिम सभी तरह के बंदी हैं सर, उनको किस तरह इस प्रोग्राम करने में अच्छा महसूस हुआ होगा सर, क्या इम्पोर्टेंस दी है? बिल्कुल, एक तो जब एक जैसे भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ और भगवान राम के चरित्र से सीखने के लिए जेल में बहुत कुछ है, तो इसी उद्देश्य से हम लोग